इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन, कोई एज सच वैसे आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा कि बताओ ये फंक्शन इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख रहा हूं, जरा सा देखते नोट कर लो और उसके बाद फिर उसको आपको बता देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है भाई? तो इसको नोट कर लेना आप। हाँ जी, तो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये सी होगा, एस नहीं होगा। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस अ फंक्शंस डिफाइंड बाय एन इक्वेशन नॉट सॉल्व्ड फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, जनरली एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। अब इस इक्वेशन को देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू वन। अब ये वाई के लिए क्लियरली इसको एक्स की टर्म में नहीं रखा गया था, मतलब आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको। तो इस तरह की इक्वेशन जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन होगी। और अगर इफ वाई इज एक्सप्रेस्ड एज, या इन टर्म्स ऑफ लिख लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्स अलोन, देन इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपको वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x+7, कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिले तो वो क्या हो जाएगी, एक्सप्लिसिट। क्लियरली डिफाइंड है कि भाई वाई सीधे सीधे एक्स की वैल्यूज रखने से आपको मिलने वाला है, तो उस टाइप का को बोलेंगे एक्सप्लिसिट। और अगर आपको थोड़ी सी भी कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, थोड़ी सी भी कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, तो वो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। बस ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी इससे ज्यादा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अच्छा जी, मान लीजिए क्वेश्चन एक दे दूंगा आपको मैं, एक्स इज इक्वल टू 2y-y² फाइंड डोमेन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, जस्ट मिनट, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। इम्प्लिस, तो क्या करना है आपने, इसका डोमेन बताना है आपको। भाई सीधा सीधी सी बात है, उठा के इसको आपको दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 2y-y², तो वाई स्क्वायर -2y +x=0, ये क्वाड्रेटिक हो गई। इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यानी कि 4 -4x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x बिलोंग्स टू, आप कर ही सकते हो, मतलब अब कुछ बचा नहीं है, -∞ to 1 आ जाएगा। तो इस टाइप का कभी क्वेश्चन फंस जाए तो आपके सामने अगर वर्ड आ जाए इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है, तो अब आपको दिमाग में आ जाए, अच्छा भैया ये कोई ज्यादा लफड़े वाली चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है जिसको आप आराम से हैंडल कर सकते हो। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है जी। ये